सेक्शन 80IBA के अनुसार अगर हम रेरा में रजिस्टर्ड हैं और हम अफोर्डेबल हाउसिंग का प्रोजेक्ट सैंक्शन करा लेते हैं, अप्रूव करा लेते हैं फाइनेंशियल ईयर 19-20 तक, और वो कभी तक भी खत्म हो, लेकिन उस पे जो भी प्रॉफिट आने वाला है उस अप्रूव्ड प्रोजेक्ट पे, उस पे एक रुपए टैक्स नहीं देना पड़ेगा दोस्तों। तो ये अफोर्डेबल हाउसिंग में हमारे सारे बिल्डर भाइयों को काम जरूर करना चाहिए। नमस्कार साथियों, मैं दीपंकर समद्दर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। जिन लोगों ने मकान नहीं लिए हैं उनके लिए अच्छी खबर, बिल्डर्स लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर, और जो एग्जिस्टिंग मकान मालिक हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी खबर। एक एक करके सुनिएगा, आखिरी तक देखिएगा, पूरा वीडियो जबरदस्त आपके काम का है। ये बजट 2019 आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है, आज फायदा उठा लीजिएगा, काम आने वाला है। सबसे पहला मैं मकान मालिकों और किराएदारों की बात करूं। जो लोग किराए पे मकान देते हैं वो 1,80,000 से ऊपर अभी एग्जिस्टिंग जो प्रोविजन है, नियम है, उसके अनुसार उनको TDS काटने की जरूरत पड़ती है। अगर किराया 1,80,000 से ऊपर होता है तो उनके लिए अच्छी खबर यह है कि 2,40,000 हो गया 1,80,000 जो था। इसका मतलब यह है कि TDS नहीं कटेगा, आपका इनकम आपके पास रहने वाला है। TDS कटने से क्या होता था कि गवर्नमेंट के पास जानकारी चले जाती थी, तो लोग रेंट को भी कैश में लेने की कोशिश करते थे। तो अब ये वाली चीजें करने की कोई जरूरत नहीं है, आप आराम से 2,40,000 रुपए तक का जो रेंट है वो बिल्कुल अपने प्रॉपर्टी पे रिसीव करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा एक और बात कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, इसका मतलब जो जिस घर में हम रहते हैं, हमारे खुद के घर में अगर हम रहते हैं तो उस पे कोई भी किराया नहीं, कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था, बट ये सिर्फ और सिर्फ एक सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बेहतरीन प्रोविजन है। इसमें पहले क्या होता था मैं आपको बताऊं कि जब मेरे पास 2 प्रॉपर्टी हाउस प्रॉपर्टी है जिसमें से एक में मैं रहता हूं तो उस पर मुझे कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बट दूसरा वाला भले मैंने किराए पे नहीं दिया हो उसके बाद भी उसका एक माना हुआ किराया, मतलब नोशनल रेंट लेना पड़ता था, उस नोशनल रेंट पे टैक्स देना पड़ता था। मतलब मेरे पास घर 2, मैं एक में रहता हूं, एक पे टैक्स नहीं देता हूं, दूसरे पे किसी को मैंने रेंट पे नहीं दिया, मैं ही खुद यूज करता हूं या खाली रहता है, तब भी मुझे उस पे टैक्स देने की जरूरत पड़ती थी। इस बजट से ये वाला प्रोविजन एकदम क्लियर हो गया है, आपको दूसरे वाले मकान पे भी कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है अगर वो आप ही यूज कर रहे हैं या आपने खाली छोड़ रखा हो, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तीसरा चीज जो कि बिल्डर लोगों के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित होगा, और क्योंकि बिल्डर है तो फिर ओनर लोगों के पास भी जाने वाला है, कि क्या होता था कि एक पीरियड तक अगर हमने प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया तो फिर हमको वो पूरे प्रोजेक्ट पे हमारे को कुछ टैक्सेस लगते थे। तो मैं आपको बता दूं कि वो जो कम पीरियड था उसको 5 साल कर दिया गया है। मतलब ये कि जब भी हम लोग प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे तो उसको 5 साल के अंदर कंप्लीट करना पड़ेगा, पहले ये पीरियड कम था, राइट? तो हमारे पास प्रोजेक्ट कंप्लीशन का पीरियड इंक्रीज हो गया है बिल्डर लोगों के लिए। बिल्डर लोगों को एक और जबरदस्त रिलीफ, ध्यान से सुनिएगा। क्या होता था कि जैसे ही हमने बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट ले लिया, आपके प्रोजेक्ट का बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपके हाथ में आ गया, तो उसके 1 साल तक आपको बिना किसी टैक्स के आप आराम से अपने इन्वेंटरी को, मतलब घर को, हाउसिंग को, जो आपका प्रोजेक्ट के हाउसिंग प्रोडक्ट है उसको सेल करिए। लेकिन अगर आपका घर 1 साल के अंदर नहीं बिकता है तो उसके बाद जितने नहीं बिके घर हैं उसका नोशनल रेंट कैलकुलेट करके उस पर टैक्स देने का प्रोविजन था। ये जहां पर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है दोस्तों, ये बिल्डर लोगों के लिए बहुत परेशानी वाली बात हो जाती है, उनको टैक्स पे करना पड़ता है। तो दोस्तों ये जो सिर्फ 1 साल का समय था बिल्डिंग कंप्लीशन से, जिसके अंदर में लोग जबरदस्ती कम में डिस्काउंट में बेचने की कोशिश करते थे, अब वो करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको 2 साल का समय दिया गया है, जब आपका बिल्डिंग कंप्लीशन हो जाए उसके बाद पूरे 2 साल तक आप घर आराम से बेचिए, आपको कोई भी नोशनल रेंट और उसके ऊपर कोई भी टैक्सेस पे करने की कोई भी जरूरत नहीं है। एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं कैपिटल गेन के बारे में, कि हमारा जब भी कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो हम उस पैसे को अगर हाउस प्रॉपर्टी में, मतलब एक हाउस प्रॉपर्टी में अगर उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो फिर हमको टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती है, उतना इन्वेस्टमेंट जो हम करते हैं उस पे हम लोग को छूट मिल जाता है। कैपिटल गेन 2 तरीके का होता है, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन।
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वो होता है जो 24 महीने के अंदर अगर किसी प्रॉपर्टी को हमने सेल कर दिया तो फिर वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाता है, और वो जो अमाउंट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है उसको रेगुलर इनकम जो कि आपका इनकम है उसमें जोड़ दिया जाता है और उस पे नॉर्मल बेसिस पे टैक्सेशन लगने लगते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वो होता है जो 24 महीने से ज्यादा आपने किसी प्रॉपर्टी को रखा और उसके बाद सेल आउट किया, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। तो सेक्शन 54 कंपनीज एक्ट में कैपिटल गेन के छूट देने की प्रोविजन है, जिसमें अगर हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को अपने एक हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन गवर्नमेंट ने आपको अब दो घर में इन्वेस्ट करने की आजादी दी है, पहले सिर्फ एक घर में इन्वेस्ट कर सकते थे, अब दो घर में। गवर्नमेंट ने ये जो रूल बनाया है इससे लोगों को ज्यादा प्रॉपर्टी लेने की प्रोत्साहन मिलेगा। लोग कैपिटल गेन करते तो हैं लेकिन उनको छुपाने की कोशिश करते हैं या क्यों टैक्स दें ऐसा फील करते हैं। क्यों, आपके पास एक घर है, आप दूसरे घर में इन्वेस्ट कर दीजिए। कहीं पे और इन्वेस्ट करने से घर में इन्वेस्ट करना अच्छा है, घर में पैसे इंक्रीज हो जाते हैं, आपके टैक्स भी बचेंगे। तो ये सारे प्रोविजन हमारे बिल्डर के, हाउस प्रॉपर्टी ओनर के, और जो अभी तक घर नहीं लिए उनके लिए ये मिशन जैसा है, क्यों ना जल्दी से जल्दी ये वाला काम कर लिया जाए। तो दोस्तों ये यूजफुल इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए है, ध्यान से सारे पॉइंट्स को फिर से देख लीजिएगा, इसके हिसाब से प्लानिंग करने की जरूरत है। अपने सीए से, अपने कंसल्टेंट से मिलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब करना जरूरी है मोटिवेट करने के लिए, ताकि मैं आपको फ्री इंफॉर्मेशन हमेशा काम की देता चलूं। आप लोग कमेंट बॉक्स में जो कमेंट करते हैं वो हमारे लिए मोटिवेशन है, कमेंट जरूरी है और जवाब उसमें 100% आपको दूंगा, ये मेरी गारंटी है। बहुत बहुत धन्यवाद।